हलो फ्रेंड्स इनके नम्बर चेनल पाकप रेसिपी वो टी टाइम सापड़ केक वांग एपी से पाकल इतान पाकल इतान और कप मैदा ना इंत वे अद्क अर कप तयर एर कप सक कल कपाल पउडरें कल कप पाल टेबल और टी स्पून बेकिंग पउडर अर टी स्पून बेकिंग सोडा और पिंच अल्वक साल इतना इतान पेपी से पाकल और बउल अवल नम्बर वज तय सेक तय सेक सक सेक इन तय सेतने तय वो ना कटिया पुलिका तयरों तयर सक ना सेटे इोड़ नम्बर वो साल सेटे ना और विस्क वे ना कल विटर सक ना कर अल्वक ना कल विटर इतमी ना अड़चिकों अब सक वो ना कर ईसिंग सुगर नहीं सेक ना ना कल ओर सक करे इपड़ेटो नम्बर वज मैं सेतरल नम्बर वो सली सेको और कप मैदा एचकल पाल पउडर अेतकें बेकिंग पउडर सोडा रेट सेतकल सेटे ना सली सेतकें एलाटे इला सलीचिकल इला ना सलीचाच इं हार्ड मिक्स पड़ा लाइटा मिक्स पड़ूंग मैदा मोटद नम्बर मेवन मिक्स पड़नों रोम हार्डा मिक्स पड़ेना केक वो साफ्टा वरा हार्डा वो अदा कुछ कुछ पाल सेटे नम्बर वज पाला कुछ कुछ सेत ना कल विटकल ना मिक्स पड़ी के और स्पेचला वे ना मिक्स पड़ी के ना मिक्स पड़ी कल काम के इं ओर ना करेचे कटेलकूड़ा अंदर ना करेचे इपड़ेटो इंत पात्र वेग वेपी अंत पात्र कुछ नड़विकल इतने अंकें ना ना उटाम वो इलाते ना अप्ले पड़े बाहर इत पात्र नम्बर रेडी पड़ी वजह पैटरा ऊतरल इंकण पाकें ऊतमेज इला ना ऊतीटें बॉक्स इत ना रे दौ तटिकें इतमी ना तटिकें तटीटे अब कुरे ना पत् निम्स मुना ना हीट पड़ी वजचर अल्लेमारी प्लेट वेट वे कैस्केट पड़ा मूड़े मूड़ पोटे मूड़ वाला इतना इवती निम्सों अल्द ना वेगन अड़प वो ना लो फ्लेम वे मुसम कल्ची ना उम्मीद काम करें इन मुसम आपन पड़ी पाक पारें के सूपर वह उम्मीद और कुचिय वे मेरी कुछ पता इंबर वचरल इत आरण ना आरण आरन मना कमारी सुटर एलाटा उटाम ना वो इरन ना काम करें इं ना आरीच के ना साफ्टा वन इतक नम्बर अब तिरपी पेकल
பாருங்க கேக் நல்லா ஒட்டாம சூப்பரா ரெடி ஆயி வந்திருக்கு. இப்போ இதல மேலே உள்ள அந்த லேயர் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம. இப்போ நமக்கு இதல என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த ஷேப்ல கட் பண்ணி சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணிக்கிட்டு நான் காமிக்கிறேன். இந்த சின்ன சின்ன பீஸா நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். இது டீ டைம்ல சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு சூப்பரான கேக்கா இருக்கும். கண்டிப்பா இத நீங்க எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இத இப்ப சின்ன சின்ன பீஸா நான் கட் பண்ணிட்டு ஃபுல்லா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நம்ம கடையில் ஒண்டர் கேக்லாம் சாப்பிடுறோம்ல அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதுவும். பாருங்க இத ஃபுல்லா நான் கட் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப சூப்பரா வந்திருக்கு எனக்கு. இது எவ்வளவு ஸ்பாஞ்சியா இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க. நான் காமிக்கிறேன். நல்ல சாஃப்ட்டா இருக்கு. நமக்கு முட்டை எதுவும் ஊத்தாமே நல்ல சாஃப்ட்டா வந்திருக்கு. இத கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. நான் வேற ஒரு ரெசிபியோட உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோல மீட் பண்றேன்.